हेलो दोस्तों, अवधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या ये है हमारे देश में कि जो हमारे अधिकारी लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो पॉलिटिसाइज होते चले जा रहे हैं। वो नेताओं के डायरेक्शन पे काम करते हैं बजाय इसके कि कानून के हिसाब से काम करें, और इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे देश को भोगने पड़ सकते हैं। तो इस साल के सिविल सर्विसेज में इससे रिलेट करती हुई एक केस स्टडी आई थी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। चलिए हम इस केस स्टडी की आज चर्चा करते हैं और इसका एक समाधान निकालते हैं। केस स्टडी इस प्रकार से है। एक प्रजातंत्र में कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कि मिल करके सरकार को बनाते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जनता द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं, इलेक्शंस होते हैं उसमें वो इलेक्ट होकर के आते हैं, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है वो आपका कंपटीशन के थ्रू होता है और उसके थ्रू वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनते हैं। डेमोक्रेसी में जो पॉलिसीज बनती हैं वो मिनिस्टर्स बनाते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज़ादी के कुछ सालों के बाद तक ये सिचुएशन थी कि जो पॉलिटिशियंस थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बीच में अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के डोमेन में, एक दूसरे के एरिया में इंटरफियर नहीं करते थे, सब अपना अपना काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये हुआ कि जो सिचुएशन है वो बदलती चली गई, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं इस बीच में जिसमें कि जो नेता लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स वो करें जो वो चाहते हैं और जो उनका एजेंडा है उसको वो इम्प्लीमेंट करें। धीरे धीरे ये भी देखा गया है कि जो ईमानदार जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी संख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि उनको इसका अप्रिशिएशन नहीं मिलता है और इसीलिए उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें बहुत कमी आई है। और बहुत सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एसेंशियली जो है वो सिविल सर्वेंट का काम है। अब इस सिचुएशन में धीरे धीरे करके जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिसाइज होती चली जा रही, राजनीतिकरण हो गया है आपका जो सिविल सर्विसेज है। इसका एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे करके बहुत सारा जो मटेरियलिज्म है और लोगों की जो ग्रीड है वो बढ़ी है, और इसकी वजह से ज़्यादा पैसों की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुआ है। अब आपको ये बताना है इस केस स्टडी में कि अगर जो है ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो गया, पॉलिटिसाइजेशन हो गया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये आपको आज डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो प्रजातंत्र है या डेमोक्रेसी है उसके बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने जवाब में। जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, जनता का राज, और इसमें जो होता है क्या होता है कि जनता जो है वो लोगों को इलेक्ट करती है, MLA या MP, जो कि पार्लियामेंट जाते हैं और वहाँ पर कानून बनाते हैं और देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। डेमोक्रेसी को कई बार रूल ऑफ द मेजॉरिटी कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास नंबर ज़्यादा होते हैं वही जो है पावर में आता है, सत्ता में आता है। जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक तो पॉलिटिकल क्लास होता है जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है और वो लोग मिनिस्टर बनते हैं, और दूसरा जो क्लास होता है वो सिविल सर्विसेज का होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आता है, जो कि UPSC, PSC, SSC जैसी एजेंसीज कंडक्ट करती हैं। अब देखिए, इसमें पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का रोल अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका रोल क्या होता है? पहली बात तो यह है कि वो जो MLAs या MPs होते हैं 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। जितने भी सिविल सर्वेंट्स उस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, और जो मिनिस्टर होता है उसके पास में पावर रहती है उनको सुपरवाइज करने की और उनको एडमिनिस्टर करने की। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं, और उस के दौरान वो कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी मदद करते हैं। अब सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होता है? सिविल सर्वेंट जो हैं वो इलेक्शन के द्वारा नहीं आते हैं, वो जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू आते हैं, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या प्रोसीजर होने चाहिए वो सरकार प्रिस्क्राइब करती है। वो हमेशा एक परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है उनका, और वो जब तक रिटायर नहीं होते तब तक वहाँ पे काम करते रहते हैं। वो सरकार को कानून बनाने में मदद करते हैं, और इसके अलावा
जब कानून बन जाता है तो उस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही किया जाता है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हों, चाहे कमिश्नर हों, वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। और चूंकि वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसी वजह से उनके पास पावर्स रहती हैं, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कानून के हिसाब से काम करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, सबके लिए बराबरी का हिसाब रखेंगे। अब वो पॉलिटिशियंस के अंडर में तो काम करते हैं लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो अपने काम को इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकें, इसीलिए उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वो किसी करप्शन केस में लिप्त नहीं पाए जाते हैं या अपने काम को ठीक से करने के काबिल नहीं रहते हैं। और जब भी आप उनको निकालना चाहते हैं या उनको अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनकी पे है, प्रमोशंस है और पर्क्स है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। कोई भी मिनिस्टर उनकी तनख्वाह को कम नहीं कर सकता, उनको कोई ऐसा स्टेप उनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता जो उनको नुकसान पहुँचाया जाए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिशाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी की। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी सारी की सारी जो पावर आती हैं वो पोस्ट पे डिपेंड करती हैं, पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। अब कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो उसके पास बहुत सारी पावर हैं, उसी को अगर अंडर सेक्रेटरी बना दिया जाएगा तो उसके पास कोई पावर नहीं होंगे। और ये पावर की किसको क्या पोजीशन दी जाए ये जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में रहती है। पॉलिटिशियंस के पास में एब्सोल्यूट पावर है किसी को भी ट्रांसफ़र करने की और पोस्टिंग करने की, और इसीलिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस की बात मानने के लिए विवश रहते हैं, क्योंकि अगर उनको बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है या ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है जो उनके घर से बहुत दूर हो, इनकन्वीनियंट जगह पर हो, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी सफ़र करती है और उनका बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है। और इस वजह से जो सिविल सर्वेंट्स पॉलिटिशियंस की बात नहीं सुनते हैं उनको अक्सर हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र किया जाता है और तरीके से भी उनको हैरेस किया जा सकता है। कई बार मामला यहाँ तक पहुँच सकता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको कंपलसरी रिटायर कर दें या उनको नौकरी से निकाल दें। और इसी डर की वजह से क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस की बात सुनते हैं और जो वो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर जो है ब्यूरोक्रेसी को राजनीतिकरण कर दिया जाए? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अक्सर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं, वो सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और उसकी वजह से उनको वोट मिलते हैं। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना जो वोट बैंक होता है, अपने जो उनके लॉयलिस्ट होते हैं उनको वो हेल्प करना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे बहुत जगह से लेते हैं, और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो उन लोगों का भला करना चाहते हैं, जब वो कोई गलत काम करते हैं तब भी उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके विपरीत जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो फेयर तरीके से सर्विस में एंट्री करते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, उनकी जॉब प्रोटेक्टेड रहती है, और इस वजह से वो कानून के हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं और उनकी कानून के लिए उत्तरदायी होते भी हैं। वो अगर वो कोई काम कानून के खिलाफ करेंगे तो उनको कोर्ट फेस करना पड़ सकता है, उनको जो है मीडिया फेस करनी पड़ सकती है और उनको उसका पनिशमेंट झेलना पड़ सकता है। अगर जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसका राजनीतिकरण हो गया तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि डेमोक्रेसी से उसका विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि वो एलिनेट हो जाएगा इस प्रोसेस से, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही तबके के लोग की बात सुनेंगे जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। और सिविल सर्वेंट जो है धीरे धीरे करके डिमोरलाइज हो जाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे और हर चीज़ करने से पहले उनको नेताओं से पूछना पड़ेगा, और इस तरीके से वो कोई भी पावर एंजॉय नहीं कर पाएंगे और कानून के हिसाब से वो काम नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि जब भी वो कोई काम करेंगे तो उससे कोई नेता तो नाराज़ नहीं हो जाएगा, और अगर कोई नाराज़ हो गया तो क्या उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस वजह से वो डिसीज़न लेने से बहुत डरेंगे। और जब डिसीज़न नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो लोगों का विश्वास है जो सरकार के तरफ है वो धीरे धीरे विश्वास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उनका पूरी तरीके से विश्वास उठ जाएगा कि हमको कोई न्याय इस सिस्टम में नहीं मिल सकता है। और इस तरीके से अगर ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण होगा तो लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ से उठ जाएगा, रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बंद हो जाएगा, और इस तरीके से सोसाइटी के अंदर जो है वो अव्यवस्था आ जाएगी, एनार्की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये जो चीज़ें हैं ये लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगी
तो उसका क्या निगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।